नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वह है श्री गंगानगर से, जहां पिछले दिनों 74 एच ब्लॉक में एक महिला की धारदार हथियार से चोटीला होने पर लहूलुहान हालत में अपने घर में मृत मिली थी। इस पर मृतक महिला के भाई हेमंत डागा ने अपनी बहन के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मृतका का भाई अपनी बहन को लेने पदमपुर से आया हुआ था कि कुछ देर के लिए वह पुरानी आबादी में अपने ननिहाल चला गया था कि थोड़ी देर बाद ही उसे अपनी बहन के मृत होने का समाचार मिला। मृतका चंपा रानी पत्नी सुरेश कुमार सिंधी की मौत के मामले की पुलिस ने जांच शुरू की तो उसमें कोतवाली पुलिस ने चंपा रानी के देवर को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद देवर नरेश को चंपा रानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ सिटी इस्माइल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपा रानी का अपने ससुराल पक्ष से मन मुटाव चल रहा था, जिसके चलते पंचायतें भी हुई। इसी मन मुटाव के चलते जिस दिन चंपा रानी की हत्या हुई उस दिन उसे अपने पीहर जाना था। सीओ सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में चंपा के देवर नरेश ने बताया कि उसकी भाभी ने इस बात की धमकी दी थी कि वह अपने पीहर जाकर तुम सबको कोर्ट में खींचेगी तथा मुकदमा दर्ज कराएगी। इसी के चलते उसने अपने भाभी की हत्या कर दी। सीओ सिटी इस्माइल खान ने बताया कि हत्या का शक उसी वक्त हो गया था जब चंपा रानी ने गले पर अनेक घाव देखे। वहीं अन्य सबूत भी मिल गए थे जो इसे आत्महत्या नहीं हत्या मानने के लिए पर्याप्त हैं। चंपा रानी पत्नी सुरेश कुमार सिंधी के एक 1.5 वर्षीय लड़का भी है। सुरेश कुमार सिंधी एच ब्लॉक में पहनावा रेडीमेड का कार्य करते हैं तथा दुकान के ऊपर ही इनका निवास स्थान है। गौरतलब है कि पुलिस कप्तान हेमंत शर्मा के कुशल नेतृत्व के चलते जिले की पुलिस जिले में होने वाली वारदातों के लगातार खुलासे कर रही है। वहीं वारदातों को रोकने के लिए भी प्रयासरत है। आज ही पुलिस कप्तान ने पिछले सप्ताह हुए हिमालय कस्बा फायरिंग मामले का खुलासा किया है। वहीं पुरानी आबादी में आयुष मर्डर मामले में भी जगला सहित 3 को राउंडअप किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।